अलवर में पीडब्ल्यूडी विभाग की एक बड़ी लापरवाही सामने आई है। सिर्फ 6 महीने पहले बनी बिल्डिंग गिरने की हालत में आ गई है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। दरअसल बाबू शोभाराम कॉलेज में पीडब्ल्यूडी विभाग ने 20 लाख की लागत से एडमिनिस्ट्रेशन ब्लॉक का निर्माण करवाया था, लेकिन 6 महीने के अंदर इमारत की नींव पूरी तरह से हिल गई है। इसकी दीवारों में बुरी तरह से दरारें आ गई हैं। ये बताते चले कि अभी तक बिल्डिंग का उपयोग भी शुरू नहीं हुआ था। लोगों का आरोप है कि ठेकेदार ने अधिकारियों की मिलीभगत से मिलावटी सामग्री का उपयोग किया और नतीजा सबके सामने। और ऐसे में सवाल कई हैं। बड़ा सवाल जो जी राजस्थान पूछ रहा है कि 6 महीने में ही बिल्डिंग की इस हालत का जिम्मेदार कौन है? क्या भ्रष्टाचार में पीडब्ल्यूडी के अधिकारी डूबे हुए हैं? क्या घटिया सामग्री से इस भवन का निर्माण हुआ है? अब इस पूरे मामले में जांच के आदेश कब दिए जाएंगे और दोषियों पर कब कार्रवाई होगी? ये फिलिंग में है, 8 से 10 फीट की फिलिंग थी, इसका प्लिंथ प्रोटेक्शन नहीं हुआ, तो बरसात से उसमें प्लिंथ प्रोटेक्शन न होने के कारण सेटलमेंट आए और वो जो लोडेड बनी हुई है बिल्डिंग, तो और ये केवल अनलोडेड वाल थी, इसको ठीक करा देंगे।